तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्व। तो अगर हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है और उसमें कई सारे पेज हैं और उसमें से हमें एक पर्टिकुलर पेज अलग से सेव करना है यानी कि कट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपनी पीडीएफ फाइल देख लेते हैं। तो ये देखिए डेस्कटॉप पे मैंने अपनी पीडीएफ फाइल सेव कर रखी है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। इसमें कुल टोटल 4 पेज हैं और मैंने हर पेज में सिर्फ उसका नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 1 पे 1 लिखा है, पेज नंबर 2 पे 2 लिखा है, पेज नंबर 3 पे 3 लिखा है, पेज नंबर 4 पे 4 लिखा है। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए हमें पेज नंबर 3 से अलग से सेव करना है तो कैसे करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं यहां से और अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपल गूगल क्रोम की मदद से करेंगे। आपको सिंपल इस फाइल को पकड़ना है और गूगल क्रोम के एड्रेस बार में यहां पर छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि गूगल क्रोम एक पीडीएफ रीडर भी है। ये देखिए इसने तुरंत रीड कर लिया। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूं। पेज नंबर 1 पे 1 दिख रहा है आपको, पेज नंबर 2 पे 2, पेज नंबर 3 पे 3, पेज नंबर 4 पे 4। अब हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमें पेज नंबर 3 अलग से सेव करना है तो हमें ये देखिए राइट हैंड साइड में यहां प्रिंटर का ऑप्शन आपको शो हो रहा है यहां पे। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो प्रिंटर का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें जाना है यहां पर पेजेस वाले ऑप्शन में, ये देखिए पेजेस वाले ऑप्शन में, और बगल में देखिए ऑल लिखा हुआ है, यहां पर एक छोटा सा एरो दिख रहा है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पे कस्टम पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर आपको देना है पेज नंबर 3। जो पेज नंबर आप अलग से सेव करना चाहते हैं सिंपल वो पेज नंबर आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, मैंने पेज नंबर 3 लिख दिया और यहां पर सेव ऑप्शन आ गया आपका नीचे, सेव पर क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद यहां पर हमने डेस्टिनेशन दे दी जहां पर हम पेज अपना सेव करना चाहते हैं। यहां पर हम इसको फाइल नाम दे देते हैं पेज 3। ठीक है, और इसको यहां पे सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया। अब आइए देख लेते हैं, अभी आप देखेंगे कि ये रहा पेज 3। ठीक है, अब इसको हम यहां से क्लिक करके ओपन कर रहे हैं तो पेज 3 आप देखेंगे कि अलग से जो है हमारा सेव हो गया। ये देख रहे हैं, अब यहां पे देखिए कोई और पेज नहीं है, सिंपल पेज 3 सेव हो गया। तो बहुत आसान है और किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल गूगल क्रोम से आप इसको अलग कर सकते हैं यानी कि कट कर सकते हैं।